अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के नौ मुंतखब सदर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वॉल्कन बॉस्कर का दौरा पाकिस्तान 27 जुलाई को तय था, लेकिन सफरी मसाइल के बायस उनका दौरा मनसूख हो गया था। दफ्तर खारजा की जानब से एलामी में तस्दीक की गई है कि UNGA के सदर आज पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत की दावत पर वॉल्कन बॉस्कर के दो रोजा दौरे पर पहुंचेंगे। बयान में कहा गया है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वॉल्कन बॉस्कर से मुलाकात में अक़वामे मुत्तहिदा के तीन अहम सतून अमन व सलामती, तरक्की और इंसानी हकूक से मुतल्लिक उमूर पर वसी पैमाने पर बातचीत करेंगे। सदर UNGA अपने दौरे में वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकातें करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक वॉल्कन बॉस्कर का दौरा पाकिस्तान बैनुल अक़वामी अमन सलामती के फरोग और बहाली में अक़वामे मुत्तहिदा की कोशिशों में पाकिस्तान की मजबूत और काबिल कद्र शराकत को उजागर करने का एक और अहम मौका है। इस ज़िम्न में कहा गया है कि पाकिस्तान आलमी अमन सलामती, मुआशी और मुआशरती तरक्की, इंसानी हकूक के फरोग और तहफ़्फ़ुज़, आलमी तनाज़ियात के पुरम तस्फ़िये से मुतल्लिक उमूर में जनरल असेंबली के किरदार की हिमायत करता रहेगा। दूसरी जानब वॉल्कन बॉस्कर ने कहा है कि बतौर सदर मुंतखब होने के बाद वो मामूल के मुताबिक मुतअद्दिद ममालिक का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि तयशुदा दौरा मनसूख होने के बाद अब इस्लामाबाद में पहुंचूंगा। उन्होंने मजीद कहा है कि वो अक़वामे मुत्तहिदा के 75वें इजलास के एजेंडे के उमूर और तरजीहात पर पाकिस्तानी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे।